इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे, आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा? मानवर देखिए, 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के पक्का के उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। कांग्रेस माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है वो दुकान नहीं चलेगी। कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, ये राजनीति नहीं चलेगी अध्यक्ष जी।